साहस सरोकार। लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने दिए निर्देश, नगर विकास मंत्री के ऑडियो की कॉन्फ्रेंसिंग। लखनऊ में बाजारों में देखने को मिली रौनक, लोगों की भीड़ से यातायात व्यवस्था बाधित। कानपुर ज्योति हत्याकांड में दोषियों को मिली सजा, प्रेमिका समेत 6 लोगों को भेजा गया जेल। लखीमपुर खीरी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं व कोकिया संबोधित उपचुनाव को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह की आत्मा की शांति को लेकर जगह जगह हवन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। राजधानी लखनऊ में विश्व संवाद केंद्र में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दीपावली पर आधारित किताब का विमोचन किया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई SC ST समाज का व्यक्ति क्रिश्चियन बनता है तो उसका आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। एक देश जो बड़े बड़े भयावह स्थिति में हमें दिखाई पड़ रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भारत में आरक्षण प्राप्त होता है, और उद्देश्य यही है कि ये समाज चूंकि पिछड़ गया है उसको साथ में लेकर के आना, साथ लेकर चलना, क्योंकि तभी हम समुन्नत देश बन सकेंगे, तभी हम वैभवशाली देश बन सकेंगे जब सारा समाज एक साथ चलेगा। लेकिन चूँकि दलित समाज जो हम अनुसूचित जाति बोलते हैं, अनुसूचित समाज में सामाजिक विषमता भी है, आर्थिक विषमता भी है। इनके यहाँ से जो धर्मांतरित होते हैं, ईसाई बनते हैं, तो वो वहाँ जा कर के दो लाभ लेते हैं। एक तो वो अल्पसंख्यकों का भी लाभ ले लेते हैं और अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का भी लाभ लेते हैं। लखनऊ में त्यौहार को देखते हुए लोगों की बाजारों में भीड़ लगी है। इस भीड़ को सड़कों पर यातायात व्यवस्था बाधित होने लगी है। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने व्यापारियों के पत्कारपुरम चौराहे पर गोमती प्लाजा के बाहर लगे अतिक्रमण पर अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्राइम टीवी की संवाददाता से बातचीत की। इस समय हम पत्रकारपुरम चौराहे पे गोमती प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरा विजुअल दिखाएं किस तरह से त्योहारों के समय में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनता की समस्या हो चाहे व्यापारी वर्ग की समस्या हो, ट्रैफिक जो है अंडर कंट्रोल नहीं होता है, भीड़ भाड़ की समस्या ज़्यादा हो जाती है। इसी को लेके आज एक अभियान चलाया गया है मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव जी द्वारा। तो इस समय हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना जो है जनता को या व्यापारी वर्ग को, आम लोगों को करना पड़ता है। सर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जो त्यौहार के सीजन में सबसे बड़ी समस्या आती है, जो बाहर से हमारे दुकानदार भाई आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे दुकानदार भाई आते हैं, कुछ जो हमारे यहाँ के जो पुराने दुकानदार हैं, जो यहाँ के परमानेंट शॉपकीपर्स हैं, वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करने के लिए अपनी दुकान के बाहर सामान लगाते हैं। जो बाहर के दुकानदार आते हैं वो पटरी स्पेशल सड़क पर, फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि यातायात की समस्या कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाती है। तो हम लोग पिछले 4-5 दिनों से ही अभियान चलाए हुए हैं कि पटरी पर अब दुकान लगाई, फुटपाथ पर अब दुकान लगाइए, लेकिन जितनी जगह सरकार ने निर्धारित कर रखी है उतनी जगह में आप दुकान लगाइए, और सबसे पहले अपने ग्राहकों को सुविधा दीजिए। जब तक ग्राहक सुविधा नहीं प्राप्त करेगा, जब तक सुविधाजनक माहौल नहीं प्राप्त करेगा, तब तक आपकी दुकान पर दुकानदारी वो खरीदारी करने नहीं आएगा, तो आपको दुकान लगाना व्यर्थ हो जाएगा। तो हम लोग सबको यही सिखा रहे हैं। हम लोग आज 4-5 दिन से हमारी टीम लगी, आज हम लोग 10-12 लोग लगे हुए हैं, सारे पटरी दुकानदार भाइयों से हम लोग यही कह रहे हैं कि आप दुकान लगाइए, लेकिन यातायात का आप ध्यान रखिए कि उससे यातायात बाधित ना हो। निर्धारित जगह पर आप लगाइए,
और इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि किसी भी तरह से यातायात बाधित ना हो। सर जैसे कि त्योहारों का समय है, अक्टूबर का पूरा महीना त्योहारों का ही महीना माना जाता है, तो इस समय में ट्रैफिक व्यवस्था जो है गड़बड़ ही मिलती है, कहीं कहीं भी आप देख लीजिए भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है। यहाँ भी हमने कई चीज़ें ऐसी नोटिस की, तो आपकी ये जो मुहिम है वो किनके किनके लिए असरदार साबित हो सकती है? देखिए सबसे पहली जो पार्किंग की समस्या है वो अतिक्रमण के कारण, चलिए ये सब बेचारे बाहर से दुकान लगाने आए हैं, त्यौहार में होता है, पहले गांव में बाजारें लगती थी, आपको शायद ध्यान होगा, तो आप समझ लीजिए कि एक तरह का ग्रामीण बाजार है और वहाँ पर कोई नियम होता नहीं था, बस लाइन से दुकानें लगा दी गई, आदमी ने खरीदारी करी और अपने घर के, तो आप समझ लीजिए कि त्यौहार में 3-4 दिन का ग्रामीण बाज़ार लगा हुआ है। जो परमानेंट समस्या है वो यहाँ की वो ये है कि दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर फुटपाथ वाले दुकानदारों को जो है जगह किराए पर दे रखी है, वो क्या करते हैं उनसे धन उगाही करते हैं, 1,000-2,000 रुपये जो भी उनसे लेते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक यातायात बाधित होने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। जहाँ पर ग्राहकों को अपने वाहन खड़े करने हैं वहाँ पर उन्होंने दुकानें लगवा रखी हैं। सबसे बड़ी समस्या पत्रकार की है, इस समस्या को हम लोग मुखरता से उठा रहे हैं, हम लोग शासन प्रशासन से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यातायात विभाग से बात कर रहे हैं, हम लोग नगर निगम से बात कर रहे हैं और दुकानदारों को भी इस बात के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको हम लोग समझा रहे हैं कि आप अतिक्रमण मत कराइए, इससे आपका भी नुकसान है, जनता का भी नुकसान है और आपके साथ साथ हो सकता है कि आपके आगे पीछे उंगली के बहुत सारे ऐसे दुकानदार होंगे जिनका नुकसान हो रहा होगा। तो ये थे हमारे साथ सुबोध श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत ही मुखरता से कुछ बिंदुओं पर हम सबका ध्यान आकर्षित कराया है, जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, अतिक्रमण की व्यवस्था हो, इन्होंने सीधे शब्दों में हमको समझाया कि किस तरह से जो बाहर के लोग आते हैं या दुकानें लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, उनको जो प्लाजा के अंदर जो व्यापारी लोग हैं जहां उनकी खुद की पार्किंग है उसे जो है वो किराए पे दे के जो है दुकानें लगवाते हैं, उनसे धन उगाही करते हैं और पूरी समस्या जनता को उठानी पड़ती है। त्योहारों के सामानों के लिए आए हैं, खरीदारी के लिए आए हैं, जैसे दिवाली का त्यौहार है, तो आप शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, शॉपिंग के लिए आए हूँ। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ, स्थानीय निवासी हूँ मैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारों का ही महीना है पूरा का अक्टूबर का महीना और ये पत्रकारपुरम का ये चौराहा है, तो आप जैसा भी देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था जो है काफी गड़बड़ मिल रही है हमें, पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं है, तो ये आपने इन समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे, क्या आपको भी समस्याएं उत्पन्न हुई? ये समस्याएं बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है कि जो भी हमारे ये फुटकर व्यापारी होते हैं ये रास्ते में अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं या जो भी ये ठेले वाले होते हैं अपने ठेले लगा लेते हैं, इससे कि हम जैसे जो ग्राहक होते हैं उन लोगों को दिक्कतें आती हैं। अब जैसे कि मैं अभी आया हूँ, कार से आया, मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई है, ये सारी चीज़ें सभी चीज़ों को अवेयर करने के लिए ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। और कल शाम में भी मैं यहाँ पर आया हुआ था तो यहाँ पर संस्था से कुछ लोग थे राष्ट्र मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के, तो वो इन सब चीज़ों इन सब मुद्दों पे लोगों को अवेयर कर रहे थे, जिसमें मैंने भी उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो संस्था उनकी है वो संस्था इन सब मुद्दों पे कार्य कर रही है, जैसे यातायात बाधित ना हो और जो व्यापारी हैं उसमें बता रहे थे नए विभाग का गठन किया गया है जैसे व्यापारी अधिकार मंच करके, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जितने भी कार्य व्यापारियों के हितों में हो सकते हैं वो सारे कार्य वो करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद करना। देखिए ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से क्या होता है कि बहुत से लोग जो व्यापारी होते हैं उनका लॉस हो जाता है और जो उनका माल होता है वो ख़राब हो जाता है एक तरीके से, और यातायात के लिए जो उन्होंने बताए नियम कई सारी चीज़ों पर मुद्दे काम कर रहे हैं, और उस संस्था से मैं भी थोड़ा प्रेरित हुआ और मैं तो सभी को ये सजेशन दूंगा कि उस संस्था को सपोर्ट करें, उस संस्था से ज़्यादा लोग जुड़ें, और जैसे ये कहना चाहते हैं कि जो काम नगर निगम को यातायात पुलिस को करना चाहिए वो एक संस्था एनजीओ कर रही जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसका मैंने बैनर भी देखा हुआ है, ये पत्रकारपुरम पे लगा हुआ है, मैंने देखा है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुबोध श्रीवास्तव जी करके हैं, तो उसमें मैंने देखा ऐसा, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उस संस्था को मैं भी उस संस्था से जुड़ना चाहता हूं और जल्द से जल्द जो है कांटेक्ट करूंगा उनसे, और जो भी मेरे से हो सकेगा मैं भी उनके साथ जुड़ के और समाज में सेवा करूंगा। आप इन समस्याओं पे बताइए, जैसे कि प्लाजा है, प्लाजा के अंदर दुकानें हैं, हाँ जी, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण करके काफ़ी बाहर तक दुकानें अपनी सजा ली हैं, जिसकी वजह से और भी सारी दिक्कतें आ रही हैं। हमने जब व्यापारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ग्राहक जो है बाहर से ही खरीदारी करके निकल जा रहे हैं, तो
क्या आप अंदर खरीदारी करने गए थे या बाहरी बारी देख के जब निकल जाए? नहीं नहीं, ये तो एक व्यापारियों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है ही। तो मैं तो फिलहाल अंदर तक गया था और मैंने अंदर भी लोगों से बात की तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें भी। तो इन सब दिक्कतों को लेके वो संस्था काम कर रही थी तो वो मुझे मिले, तो हालांकि फिर बाहर से ही मैं निकल गया था, ज़्यादा अंदर नहीं जा पाया क्योंकि वो मिल गए मुझे तो उनसे काफ़ी देर तक मेरी बातचीत हुई। तो वहीं से फिर उन्होंने सारे अपने उद्देश्य बताए, क्या उद्देश्य है उनका और क्या क्या वो फ्यूचर में करना चाहते हैं। कई सारे उद्देश्य बताए उन्होंने, जिसमें अभी तो फिलहाल टाइम इतना ना मेरे पास है ना आपके पास में, तो और भी चीज़ें हैं जो लोग भी संस्था से, मैं तो कहूँगा कि मैं तो फिलहाल जुड़ूंगा, ये दिवाली हो जाने दीजिए, इसके बाद से मैं संस्था से ज्वाइन करके लोगों को जो है अपनी सेवाएं दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पत्रकारपुरम चौराहे पे यहाँ पे गोमती प्लाजा के आसपास की सारी दुकानों को देखा, यहाँ की बाज़ार को देखा, यहाँ की भीड़ को देखा, हमने अपने माध्यम से प्राइम टीवी के दर्शकों को यहाँ की समस्याएं दिखाई, पार्किंग की समस्याएं दिखाई और कई सारी चीज़ें पे हमने बातचीत की, कई लोगों से, व्यापारी बंधुओं से बातचीत की, जनता से बातचीत की, सबने अपनी अलग अलग समस्याएं दिखाई। खैर, ये त्योहारों का मौसम है, त्योहारों का पूरा सीजन है अक्टूबर का महीना, जहाँ पर थोड़ी सी अव्यवस्थाएँ होती हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा समस्याओं पर भी हमने लोगों से बात की है और ये समस्याएँ काफ़ी बड़ी समस्याएं इस समय। मैं विवेक शाही, कैमरामैन विजय के साथ, प्राइम टीवी लखनऊ। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 11वें दिन उनके पैतृक आवास सैफई में शांति पाठ और हवन का कार्यक्रम किया गया। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के लिए अयोध्या और काशी से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। बता दें कि दिवंगत आत्मा व शांति के लिए प्रार्थना की गई। शांति पाठ और हवन पूजन के कार्यक्रम में सैफई परिवार एक साथ नजर आया। वहीं प्रदेश भर में आज नेताजी कोई याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं राजधानी के मध्य में विधायक रविदास मल्होत्रा ने आज रॉयल होटल पर उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी। इसी क्रम में प्राइम टीवी की टीम ने रविदास मल्होत्रा से खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के स्वर्गवास के बाद आज अगर बात की जाए सैफई में तो शुद्धिकरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बात करें तो यादव परिवार पूरा वहां एकत्रित है और मथुरा से और साथ ही साथ काशी से पंडित आए हैं जो पूरे विधि विधान के साथ, बौद्धिक मंच उच्चारण के साथ पूरे कार्यक्रम का आज पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम लखनऊ के मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मल्होत्रा के आवास पे हैं, जहां पूरा अगर देखें तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो विधानसभा के हर एक व्यक्ति वहां जो मुलायम सिंह को चाहता था या उनके उपदेशों, उनके राजनीतिक मंत्रों को मानता था, वो आ रहा है, फूल अर्पित कर रहा है, फूल पुष्प अर्पित करके और उनकी आत्मा को शांति की बात कर रहा है। वहीं हमारे साथ विधायक रविदास मल्होत्रा हैं। सर, हमें ये बताएं कि आप लंबे अरसे से राजनीति में हैं, बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के गठन से पहले आप मुलायम सिंह के साथी के तौर पे काम किए हैं और उन्हें आप अपना राजनीतिक गुरु ही मानते हैं, कुछ ऐसे किस्सों को बताएं जो दर्शकों तक आज तक पता ना हो। आज से 48 साल पहले इस देश में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में पूरे देश में आंदोलन चल रहा था और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। उस समय हम लोगों ने उनकी अगुवाई में संघर्ष में साथ में आए। उसके बाद देश में आपातकाल लगा दिया गया और हम और माननीय मुलायम सिंह जी 20 महीने एक साथ जेल के अंदर बंद रहे। उसके बाद से माननीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, कभी भी उन्होंने संघर्ष में एक कदम पीछे हटने का काम नहीं किया। तो ये उनका स्नेह और प्रेम था, वो पूरे जीवन समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, कमजोर, बेबस और लाचार लोगों के लिए संघर्ष करते रहे। उन लोगों को उनका हक मिले, अधिकार मिले, सम्मान मिले, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करने का काम किया है। अगर पूरे दुनिया में कोई कह दे कि धरती पुत्र ने बात कही है तो जानते थे कि धरती पुत्र दुनिया में एक ही है और वो है मुलायम सिंह यादव जी।
अच्छा विधायक जी, अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के गठन से पहले एक क्रांति रथ निकली थी जो प्रदेश के हर एक विधानसभा में गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, तो क्रांति रथ का उद्देश्य क्या था? उसके बाद जहां तक हमने पढ़ा और सुना है कि उसके बाद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तो क्रांति रथ से क्या संदेश था? डॉक्टर राम लोहिया जी हम लोगों के आदर्श थे, उनका था सप्त क्रांति। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी सबसे पहले उस सप्त क्रांति के आंदोलन में जुड़े थे। उसके बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ, वो संपूर्ण क्रांति उसका नाम था। इसलिए बाद में मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी विचारों की क्रांति को फैलाने के लिए प्रतिकाला था, और उन्होंने अकेले दम पर अपनी पार्टी खड़ी करी थी, और अकेले दम पर वो प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री हुए। जो खेस में हल जोतने से ले करके और सेना के बीच में जब वो गए एक बार फौज पर वहाँ पर, तो देखा उन्होंने कि बाहर से फायरिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा यहाँ फायरिंग हो रही है और तुम लोग चुप के बैठे हुए हो। और उसी वक्त जो है उन्होंने खुद ललकारा, और उसके बाद पूरी सेना के लोग पहुँच गए और 5 मिनट के अंदर उधर से फायरिंग बंद हो गई। पहले कभी भी अगर देश की सीमाओं पर देश के बहादुर जवान शहीद हुआ करते थे तो उनकी टोपी खाली आती थी और उनका अंतिम संस्कार वही होता था। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है वो रक्षा मंत्री हुए, तो कोई व्यक्ति जमीन जोड़ा होता है उसका असर ये होता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस शहीद का पूरा शरीर सम्मान उसके गांव और शहर जाएगा। और मुलायम सिंह जी के आदेश के बाद सेना पर शहीद होने वाले जवान का शव उसके घर पे आता था। तो ये उनका पूरे जीवन का संघर्ष था। कभी भी मुलायम सिंह को लोग भूल नहीं पाएंगे और युगों युगों तक लोग मुलायम सिंह को याद करेंगे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब उनका अंत्येष्टि हुआ उस समय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नम आंखों से विदाई दी गई। अब अगर वहीं कहा गया कि नेताजी जैसा कोई नहीं हो सकता है, और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में बिना संरक्षक के पहला चुनाव होगा, तो कितनी चुनौती है। और कहा यह भी गया है कि नेताजी अभी जो उनका सोच है वो अमर रहेगा, उनके ही जो राजनीतिक सिद्धांत है उस पर चलकर समाजवादी पार्टी आगे काम करेगी, इसको लेकर क्या कहना है? नेताजी का शरीर खत्म हुआ है, उनका विचार उनके सिद्धांत कभी भी खत्म नहीं होंगे। पवित्र अग्नि उनके शरीर को जला सकती है लेकिन उनके विचारों को नहीं जला सकती है। नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, उनके न रहने पर पहला चुनाव हो रहा है लखीमपुर में, और वहाँ विनय तिवारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, अखिलेश यादव जी की अगुवाई में चुनाव ये होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि लखीमपुर में गोला गोकरण नाथ की सीट पर विनय तिवारी जी बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतने का काम होगा। हम लोग 89 में कहा करते थे जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री हुए और हम विधायक हुए, हम लोग कहा करते थे कि नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है और हर जालिम से टकराने का वीर मुलायम आदि है। तो माननीय मुलायम सिंह जी के यादों, उनके विचार, उनके सिद्धांत पर हम लोग चलें, इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर के अंदर हर विधानसभा के अंदर ये शोक सभा मनाई है। हम उनको शत शत नमन करते हैं और हम लोगों ने संकल्प किया है कि जो उनके विचार हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन की आखिरी सांस तक उसको जिंदा रखने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मल्होत्रा थे, जो पूर्व में देखा जाए तो मुलायम सिंह के साथ जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस दौरान भी ये सक्रिय थे। साथ ही साथ अगर देखें तो समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तब के ये नेता हैं, और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से इनकी आंखें नम थीं और इनका कहना था कि नेताजी हमारे बीच से गए हैं, बल्कि उनका जो सोच है उस पर हम काम करेंगे और जो भी राजनीतिक लड़ाई है वो मुलायम सिंह के दिए गए सिद्धांतों पर करते रहेंगे और आने वाला जो समय होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। लखनऊ में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने त्योहार के मद्देनजर सफाई व्यवस्था की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा की है। आपको बता दें कि त्योहार के दौरान लाइटिंग और धार्मिक स्थलों पर सफाई के लिए विशेष निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही छठ पूजा के लिए घाटों की सफाई के भी विशेष निर्देश दिए गए हैं।
अलीगढ़ में सराय मियां ने एक विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। आपको बता दें कि विवाहिता का शव फंदे पर लटकता मिला है। वहीं पति और ससुराली जन मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बाद मायके पक्ष के लोगों ने पति और ससुरालियों पर दहेज की मांग पूरी न होने के चलते हत्या की आशंका जताई है। इतना ये हाईवे को क्रॉस कर रहा था, पत्नी के पास जा रहा था। पत्नी जो धान की कटाई में लगी हुई थी। कितना मारा है? ये चार पहिए की कोई गाड़ी है बनेलो। मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर ही डेथ स्पॉट। पुलिस पहुंची है? पुलिस पहुंची, पुलिस ने ही भेजा यहाँ के लिए। पोस्टमार्टम करा रही है? जी हाँ। गाड़ी हिरासत में ली है पुलिस ने? गाड़ी हिरासत में ले ली है। पहले से दहेज की मांग करते थे, रक्षाबंधन पे इसकी माँ ने लड़की से कहा था कि 1,00,000 रुपए लेके आ, मैं तेरे लिए घर बनवाऊंगी। अमित के साथ शादी हुई थी। कितने दिन पूर्व हुई है? शादी को हो गई 6 साल। ये आपको कैसे सूचना मिली? हमको सूचना कल मिली है सर, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी कल 10 बजे करीब, और फिर उसके बाद फोन नहीं आया और शाम को पता चला कि लड़के की फांसी लगा दी है। खबर गाजियाबाद से, जहां पिछले दिनों किसान की हुई हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक किसान के साथ आरोपियों का 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य दोषियों की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए हैं। राजपाल, उनका शव मिला है, वहीं उसी गांव के रहने वाले थे और ये शव मिला था नगला बेर के खेतों में, जो कि थाना भोजपुर में लगता है, भोजपुर और मोदी नगर की सीमा पर। तो इनके सिर पे 2-3 चोट थी, गंभीर चोट थी, जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। इनको अस्पताल ले गए थे और नॉट डेड ये डिक्लेयर किया गया था डॉक्टर के द्वारा। तो इसमें इनके पुत्र ने, इनके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र ने तहरीर दी थी 5 अज्ञात लोगों के, 9 लोगों के खिलाफ, जो कि जाहिर किया था कि इन लोगों ने संभवतः इनकी हत्या की। खबर हरदोई से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकारी जातियों के सहयोग से विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की है। साथ ही सीएम योगी मदरसों के विकास के साथ साथ संस्कृत स्कूलों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दे रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल और भाजपा नेता लल्लन पासवान के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें हिंदू ग्रंथों का ज्ञान न होने तो टिप्पणी नहीं करने की सलाह दी है। दिनेश शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार देने का हर संभव प्रयास कर रही है। मान्यता है, कौन अपनी मान्यता क्या मानता है, हिंदू देवी देवता इतने सस्ते नहीं कि जो हर आदमी उस पर टिप्पणी कर सके। हिंदू सहिष्णु है, कायर नहीं है, और हिंदू सब धर्मों का सम्मान करने वाला धर्म का नाम है। इसलिए इस प्रकार की जो टिप्पणी करते हैं, मैं समझता हूँ स्तरहीन लोग और उनकी बात को संज्ञान में लिया, उत्तर प्रदेश को छोड़कर जा रहे हैं और निवेशक पूंजी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो ये बदला हुआ समय मोदी जी और योगी जी के कार्यों से आच्छादित है, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक सुनहरी युग की ओर बढ़ रहा है। अपनी मान्यता है, कौन अपनी मान्यता क्या मानता है, हिंदू देवी देवता इतने सस्ते नहीं कि जो हर आदमी उस पर टिप्पणी कर सके। कानपुर में 27 जुलाई 2014 को ज्योति हत्याकांड के बाद पूरे देश में इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की चर्चा हुई थी। ज्योति हत्याकांड के 8 साल बाद कोर्ट ने ज्योति के पति और उसकी प्रेमिका समेत 6 लोगों को दोषी करार किया। कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 560 तारीखों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में पुलिस ने सभी 6 दोषियों को जेल भेज दिया है। देखिए, ऐसा है, मेरी न्याय के प्रति पहले भी आस्था थी, वो आदर मेरे हृदय में बहुत बढ़ गया है, और ऐसा आदेश आने के बाद न्यायालय का, मैं न्याय को नतमस्तक करता हूँ, भारतीय संविधान को और भारतीय न्याय को नतमस्तक करता हूँ। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर लगातार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चल रहा है। ऐसा ही एक मामला कुशीनगर विधानसभा के अंतर्गत नगर पालिका परिषद हाटा के अंतर्गत उत्सव मैज हॉल के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। समाजवादी नेता वहां मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता संस्थापक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के
गांधी सभा में आए, आप सभी अतिथियों, क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी पूरी आत्मा शांति प्रदान करें। धरती पुत्र मुलायम सिंह जी का पार्टी के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है। इसके क्रम में आज हाटा में भी 3 जगह कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम में मैं यही कहना चाहूँगा कि नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके पद चिन्हों पर चला जाए, उसका अनुसरण किया जाए। खबर बंदायू से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रमुख के घर पर चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। साथ ही पीड़ित पक्ष ने थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए। मम्मी घर पर गई थी, तो मैं खाटू से, हम वो है ना कीर्तन चल रहा है, तो वहाँ 10:30 बजे चला था मैं जाके बैठा ही था, तो लगभग 11 बजे करीब, 11:30 बजे मम्मी का फ़ोन आया, घर पे चोरी हुई, ऐसे ऐसे चोरी हो गई। मैं भाग के आया तब तक तो ताला टूटा हुआ, अंदर तिजोरी सब खुली हुई। गाजियाबाद में कुछ दिनों पहले पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी थी, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसके बाद उसके बच्चे को पति अपने साथ ले गया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि काजीपुर गांव, जो थाना मसूरी के अंतर्गत आता है, वहां पर एक किडनैपिंग और गोली मारी गई है। 10 दिन पहले से ये काजीपुरा में रह रहे थे, इसकी दूसरी पत्नी शालू रह रही थी, देखी कर रही थी बच्चा कब आ रहा है कब जा रहा है। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे शाम को ये लोग गए बच्चा उठाने की कोशिश करी, जिस दौरान गोली चली थी। पुलिस ने फिर CCTV फुटेज और बहुत तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो फ़ोनपे हो, और फिर हम उस तक पहुंच पाए, क्योंकि ये इंसान अपनी आईडी कहीं नहीं देता था। ये हर 2.5 महीने में अपना घर बदलता है। सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का आज 13 दिन के बाद इटावा में ही नहीं पूरे प्रदेश में आत्मशांति के लिए लेकर हवन किए गए हैं। आपको बता दें कि कन्नौज के छिबरामऊ के पूर्व विधायक के आवास पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति को लेकर शांति पूजा व हवन किया गया। वहीं पूर्व सपा विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और समाजसेवी समेत कई पार्टियाँ कार्यकर्ता द्वारा हवन पूजन किया गया। आज हम लोगों के बीच में धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह आज हम लोगों के बीच में नहीं है। आज हम लोग शिवरामों विधानसभा में, प्रत्येक गांव में, नगरों में, जगह जगह यहां पर हम लोगों ने आज नेताजी के आत्मा के लिए हवन पूजन श्रद्धांजलि का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से नेताजी के शोक में किया है। आज बड़े दुख भी है हम लोगों को, दुखी मन से आज हम लोग नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि भाजपा सरकार ने जो काम किया है वो जनता के आधार पर वोट करेगी और पिछली बार से भी अधिक मतों से भाजपा उपचुनाव में जीत दर्ज कराएगी। हम लोग एक बार पुनः विधानसभा उपचुनाव में क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, प्रकार का निवेदन मैं करती हूँ कि जनता के बीच में आई हूँ। मुझे निश्चित विश्वास है कि हम अपना संदेश ही नीचे तक समाज के सब वर्गों तक जनता में पहुँचा पाएंगे। एक बड़ी जीत इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगी। खबर प्रतापगढ़ से, जहां भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से रेलवे लाइन का दोहरीकरण, कुंडा क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज और गंगा पुल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री सड़क योजना से गाँवों की सड़कों की तस्वीर बदल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के जिला अध्यक्ष और कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 2014 के बाद से कुंडा और बाबागंज विधानसभा में, चाहे रोडों की बात किया जाए, चाहे केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की बात किया जाए, चाहे रेलवे के क्षेत्र में जो काम किया गया उसकी बात किया जाए,
क्या ओवर ब्रिज की बात किया जाए, या जो नई सौगात मिली है केंद्र सरकार की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, प्रयागराज से हाफा मऊ वाया कुंडा हनुमानगंज होते हुए ऊंचा रायबरेली तक का जो रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम है, वो किन बिंदुओं को लेकर प्रेस वार्ता की गई है, इसके माध्यम से क्षेत्र की जनता को एक प्रकार से अब तक जो काम किए गए हैं वो बताने का प्रयास किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं